हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी और आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले अटेम्प्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो मैंने एमबीबीएस भी आई गॉट आफ्टर क्लास 12 और इंटर्नशिप के बाद ही मुझे डीएनबी रेडियोलॉजी मिल गया था। सो पहले अटेम्प्ट, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में ये डिफरेंस होता है कि पहले अटेम्प्ट में पाने के लिए आपको शुरुआत से बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर मेडिकल, आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम, अगर मान लो आपको एक साल बाद एग्ज़ाम देना है तो आपको उसका एक प्रॉपर, एक डिसिप्लिन से बैठ के पूरा प्रॉपर मंडे टू संडे या फिर मंडे टू सैटरडे विथ वन ऑफ, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना कि, और वो लॉन्ग टर्म गोल मेरे लिए तो काम नहीं किया था, शॉर्ट टर्म के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और पहले पहले तो आप उसमें स्टिक नहीं करोगे, तो मोस्टली क्या होता है जो लोग स्टिक नहीं कर पाते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। तो आई थिंक कि शॉर्ट टर्म इसलिए ही बनाना चाहिए कि आप अगर स्टिक ना भी कर पाओ तो आपके अंदर वो गिल्ट ना हो कि मैंने, आई मेड अ टाइम टेबल एंड उसके हिसाब से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो पहले तो टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करना है। अभी अगर आप क्लास 12 के बाद मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसके साथ ही पढ़ाई भी करनी पड़ती है स्कूल की, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो उसके साथ बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में डेफिनेटली डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत कुछ कॉमन भी होता है। तो आई थिंक पहले तो आपको जो कॉमन टॉपिक्स है उसको आपको कब पढ़ना है, टेक इट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। अगर आप सुबह उठ पाओगे तो वो ज़्यादा फ्रेश भी रहता है। एंड टॉपिक भी प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक हमेशा पढ़ते हो क्या देखना है कि कौन से टॉपिक को हमको रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक वोलाटाइल है। सो ये सब के बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जब मैं क्लास 12 में थी तो मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और मैंने लिया था 2 ईयर्स प्रोग्राम जो 11 एंड 12 में था। और उस टाइम पे मेरे लिए एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि मेरे साथ मैथ्स था और आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ प्रिटी मच एवरेज स्टूडेंट, तो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट ही था। सो उसमें मुझे लगा कि अगर मुझे पाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई हैव टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। तो एंड एक प्रॉपर मेरा एक टाइम टेबल था कि मुझे इतने टाइम तक ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम तक ये रिवाइज करना है और टेस्ट तो मस्ट है, टेस्ट देना ही है। और एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो हर बंदे के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचता है कि अगर नहीं निकला तो व्हाट इज़ द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव। उस टाइम पे मुझे लगता था अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर लूँगी, क्या करूँगी, व्हाट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्रैक द एग्ज़ाम, सो इफ आई एम अनेबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो अभी मुझे लगता है कि यार वो बचकाना था। अगर आप क्रैक नहीं भी कर रहे हो तो एक अगर डोर बंद होता है तो हज़ारों डोर खुल जाते हैं। मतलब अभी मुझे लगता है कि वो मैं बहुत ज़्यादा ही सोचती थी और वो ज़रूरत नहीं था वो सोचने का कि नहीं होगा तब मैं क्या करूँगी। अगर नहीं होगा तो यार ज़िंदगी चलती ही रहती है, पहली बात तो ये। सो डोंट मेक द एग्ज़ाम योर लाइफ और डोंट मेक एनीथिंग योर लाइफ, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो तो मेरा तो एक शेड्यूल था। और सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों को देख के ना अपना सर मत फोड़ो कि अरे यार वो इतना मार्क्स पा रहा है, मेरे तो मार्क्स इतने नहीं आए, मैंने तो उससे ज़्यादा पढ़ाई की थी, या फिर मैं लकी नहीं, इट्स नॉट द लकी डे और माई क्लोथ्स आर नॉट लकी, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं यार। तो उनको लक तो होता है, आई एग्री कि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा लक भी चाहिए होता है, लेकिन इसके ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो। दूसरों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, यू शुड बी योर ओन कॉम्पिटिटर एंड यू शुड हैव योर ओन गोल्स, तुमको अचीव करना है बस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ हर बच्चे का ब्रेन अलग होता है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है, तो हर बच्चा अलग करता है, किसी को शॉर्ट टर्म में होता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये ठीक है यार। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एंड यू आर एबल टू अचीव योर गोल, बस दैट इज़ एनफ आई फील। सो उस टाइम पे मेरा तो एक स्ट्रिक्ट रूटीन था
तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी और सुबह मैं उठ नहीं पाती थी टू स्टडी। सो एक्चुअली देखा है तो प्रोडक्टिव पढ़ाई सुबह की ही होती है। तो यू शुड डिवाइड योर सब्जेक्ट्स एंड यू शुड गिव। अभी मुझे जो लगता है जो मैंने किया था उस टाइम पे कि आई यूज टू हैव अ डीप सेशन देन आई यूज टू रिलैक्स एंड देन आई यूज टू हैव अगेन डीप सेशन एंड देन आई यूज टू रिलैक्स। मतलब अपना 40 मिनट तक एक डीप सेशन रखो फिर यू रिलैक्स फिर यू हैव अ डीप सेशन एंड देन अगेन यू रिलैक्स। मुझे लगता है घंटों पढ़ते रहना 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई आई थिंक मे बी इट वुड वर्क फॉर यू बट वो मेरे लिए तो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं डीप पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है 20 आई एम स्टडिंग फॉर 10 आवर्स यूजुअली इफ यू मतलब अगर आप 5 से 6 घंटा भी ठीक से पढ़ते हो 2 साल के लिए तो मेडिकल एग्जाम क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है या फिर किसी कोई भी एग्जाम क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हमारे अंदर ना वो एकाग्रता मतलब खुद को पकड़ मतलब यू हैव टू पुट इन ऑल योर एनर्जी इन टू योर स्टडीज डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए स्पेशली यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आपको तो आपको पहले तो आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा उस डिस्ट्रैक्शन से फिर एक तरफ अपनी एनर्जी करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना पढ़ाई के टाइम और या फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी अगर आप लोग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी लाइक इफ़ यू कैन रूटीनली कर सकते हो लाइक डू इट बीट एक्सरसाइज रनिंग जिम और योगा और एनीथिंग जो आप रोज कर सकते हो तो वो डेफिनेटली आपको इंक्लूड करना चाहिए इन योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑल्सो एंड आपकी लाइफ में भी बिकॉज देन यू आर मेंटली वे स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो खाना होता है ना दैट शुड यू शुड ट्राई टू कीप इट लाइट बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आपको ज़्यादा नींद आएगी आपका वेट भी आपको कम करना चाहिए उस टाइम पे क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओबीस हो देन यू विल फील वेरी मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है शरीर हल्का रहेगा दिमाग हल्का रहेगा तो आई थिंक चीज़ें ईजिली घुसती है दिमाग में। एंड नाउ कमिंग टू माई जर्नी MBBS से पोस्ट ग्रेजुएशन पाने के लिए सेम थिंग आई फॉलोड मेरा एक रूटीन रहता था मैं उसको फॉलो करती थी मैं दूसरों को देख के मैंने सर नहीं फोड़ा था मुझे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा था बेस्ड ऑन माई 10 years और 15 years जो आया था एग्जाम में वो ही मैं पढ़ती थी ज़्यादा से ज़्यादा और जो मुझे लीस्ट प्रायोरिटी था वो मैं नहीं पढ़ती थी उतना ज़्यादा। और एग्ज़ाम के पहले आई ऑलवेज हैड माई क्विक रिविजन नोट्स तो अगर नहीं निकले इनकेस नहीं निकले अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हो तो सेकेंड अटैम्प्ट में भी आपको यही करना पड़ेगा आपको थोड़ा अपने बॉडी को डिसिप्लिन कीजिए फिजिकली फिट हुई है मेंटली फिट हुई है फिर आप पढ़ाई कीजिए। और बस दैट इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑल्सो दीज एग्जाम्स ऐसा दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी अरे बाप रे बोर्ड में अच्छा मार्क्स करना है नहीं तो कॉलेज नहीं मिलेगा तो कॉलेज में अच्छे नहीं जाओगे तो यू विल नॉट गेट गुड वर्क। बट इवेंचुअली 30-40 साल की उम्र में लगता है ठीक है पढ़ाई इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इट बिल्ड्स अप योर पर्सनैलिटी तुमको शब्द मिल जाएगा बात करने के लिए आपको शब्द मिल जाएगा आप थोड़े ज़्यादा वाइस रहोगे लोगों से डेफिनेटली ये है ठीक है तो लेकिन ये आपकी ज़िंदगी नहीं है इट्स नॉट दैट इफ़ यू आर अगर आप बहुत पढ़ाई की होते देन ओनली यू कैन अर्न योर लिविंग इट इज़ नॉट लाइक दैट पीपल हु आर अर्निंग इन लैक्स एंड करोड्स कितनों ने कितनी पढ़ाई करी है ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ उस टाइम पे हमको जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं उसको मैक्सिमम यूज करके एक मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं ना अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ और मैं सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहना चाहूँगी हम सब के अंदर ना बहुत ज़्यादा एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि वो फाइनल डे एग्जाम में क्या करेंगे बट फाइनल एग्जाम जो होता है ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जर्नी होती है हाउ यू क्रैक द एग्जाम ना द जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो यही था छोटा छोटा टिप्स आई थिंक हर इंसान को पता होता है कि उसको क्या करना है। हाँ करेक्ट गाइडेंस के लिए अगर आप मेरे से पूछो कि पढ़ाई यू नो यू ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट दे विल टेल यू कि आपको कहाँ से पढ़ना है तो आपको तो पढ़ाई का पूरा वहाँ से रिसोर्स मिल जा रहा है। शरीर को अपना ऐसा बनाओ कि आप पढ़ाई कर सको
और बहुत लोग होते हैं यार बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम के आगे, तो वो तो चलो एग्जाम के पहले ही आप बीमार पड़ते हो तो चलो यू कैन से डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स प्लान फॉर मी. और कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेस के वजह से दे हैव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो जाता है, मेंटली वो एग्जॉस्ट हो जाता है. तो जो होना है वही होगा, दैट इज एंड ऑफ स्टोरी, दैट इज एंड ऑफ एवरीथिंग. वी ऑल वी कैन डू इज पुट इन हार्ड वर्क. सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये वीडियो स्पेशली कुछ लोगों के लिए है जो मुझसे बोल रहे थे कि आप कुछ इसके ऊपर भी बोलो.